नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पंजाब टुडे 24 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक बार फिर से छोटे पर्दे में शादी का सीजन शुरू हो चुका है। इस बीच खबर आ रही है कि टीवी की एक नागिन जल्द ही शादी करने जा रही है। यहां हम बात कर रहे हैं नागिन 3 में नजर आ चुकी अदाकारा मृणाल देशराज की, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सगाई की है। जी हाँ, सही सुना आपने, मृणाल देशराज ने 43 की उम्र में सगाई कर ली है। टीवी के इस नागिन ने बुढ़ापे में की सगाई, 5 बार खा चुकी है प्यार में धोखा। एक बार फिर से छोटे पर्दे पर शादी का सीजन शुरू हो चुका है। टीवी सितारे लगातार शादी के बंधन में बंध रहे। कुछ समय पहले ही टीवी एक्टर मनीष नागदेव ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ गोवा में शादी की थी। इस बीच खबर आ रही है कि टीवी की एक नागिन जल्द ही शादी करने जा रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नागिन 3 में नजर आ चुकी अदाकारा मृणाल देशराज, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सगाई की है। जी हाँ, सही सुना आपने, मृणाल देशराज ने 43 साल की उम्र में सगाई कर ली है। मृणाल देशराज बीते काफी समय से आशिम मिथन को डेट कर रही है। आशिम मिथन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। बता दें कि मृणाल देशराज और आशिम मिथन की उम्र में काफी गैप है। साल 2021 में आशिम मिथन और मृणाल देशराज की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। कुछ समय तक डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को प्यार की अंगूठी पहना दी है। इस बात का ऐलान खुद मृणाल देशराज ने किया है। मीडिया से बात करते हुए मृणाल देशराज ने कहा कि उम्र का ज्यादा फासला होने की वजह से लोगों को लगता है कि रिश्ता नहीं चल पाएगा। ये सब तो आपके माइंड सेट पर ही डिपेंड करता है। उम्र केवल नाम की होती है, आपके हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए। अपनी सगाई के बारे में बात करते हुए मृणाल देशराज ने कहा कि मेरे लिए सगाई एक सरप्राइज थी। 9 जून को हम दोनों ने मुंबई में सगाई की थी। सगाई होते ही नागपुर जाकर हम दोनों ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। अब हम जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। गौरतलब है कि मृणाल देशराज नागिन 3 में मोहिनी का रोल अदा कर चुकी है। नागिन 3 में मृणाल देशराज ने नेगेटिव किरदार निभाया था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंजाब टुडे 24 न्यूज़।